बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, पेज नंबर 29 है। बड़ा सिंपल रूल है कि जो वंस वाली प्लेस है, या उसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं, उस पे जो है 0 या 5 आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल होता है। जैसे 2, 3, 9, 0, एंड पे 0 आ गया तो ये डिविजिबल है 5 पे। विदाउट डिवाइडिंग हम कह सकते हैं, विदाउट डिवीजन, ठीक है। 4, 9, 3, 5, एंड पे 5 आ गया, हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ये डिविजिबल है 5 पे विदाउट डिवाइडिंग, ठीक है। इसी तरह से 3, 9, 0, 5, 4, 2, 0, 0, 9, 7, 7, 5, एंड पे 5, एंड पे 0, एंड पे 5। तो जब एंड पे जो कि वंस प्लेस है, यूनिट प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे अगर 0 या 5 में से कोई नंबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे का पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल है 5 से। नो नीड फॉर द डिवीजन, ठीक है। डिवीजन पे ज़्यादा टाइम लगता है तो हम विदाउट डिवाइडिंग हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है 5 पे। अब 6 का बताते हैं कि कोई भी नंबर जो है ना विदाउट डिवाइडिंग हमें कैसे पता चलेगा कि ये 6 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके दो रूल्स हैं, दोनों अप्लाई करने हैं। एक यह कि जो वंस प्लेस है, जिसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं, वहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 2, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई आना चाहिए, ठीक है। ये पहला टेस्ट है। और दूसरा टेस्ट ये है कि हम उसके उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करें, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है, उसको ऐड करें इज डिविजिबल बाय 3, यस बाय 3। अगर उसके जो जितने भी डिजिट्स हैं उनको आप ऐड कर दें, जो आंसर आता है उसको 3 पे डिवाइड करें, अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो दो जो है ना वो क्राइटेरिया हैं, दो जो है रूल्स वो अप्लाई करने एट ए टाइम, ठीक है। एग्जांपल लेकर करते हैं 2, 4, 7, 2। पहला टेस्ट क्या है कि इवन नंबर और यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर, पहला टेस्ट पास हो गया, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये नंबर है और ये डिजिट्स हैं, 2, 4, 7, 2, ये डिजिट्स हैं, इनको ऐड करना है, 2 + 4 + 7 + 2, क्या आंसर आता है, 15, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, ये जो सम है इसको डिवाइड करें 3 पे, ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो दोनों जो है ना जो टेस्ट है उसने क्लियर कर लिए, ये भी क्लियर कर लिए, ये भी क्लियर कर लिया। तो हम डिवाइड करने के बगैर हम बता सकते हैं कि 2, 4, 7, 2 जो है ये 6 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक नंबर है 642, इस पे दोनों टेस्ट अप्लाई करते हैं। पहला क्या है कि वंस यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ये देखें ये इवन नंबर है, ये टेस्ट क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 6 + 4 + 2, इतना आ गया 12, 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, ये 3 पे डिवाइड हो जाता है 12, जो सम ऑफ डिजिट्स है। तो इसका मतलब है इसने दोनों टेस्ट पास कर लिए, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल, उसमें दो टेस्ट हैं। पहला क्या है कि जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर होना चाहिए, और दूसरा टेस्ट क्या है कि उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको हम आपस में ऐड कर लें तो जो जवाब आता है, जो आंसर आता है, उसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें, अगर वो डिवाइड हो जाए, इफ़ दैट नंबर जो सम आ रहा है, इफ़ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, तो हम कह सकते हैं विदाउट डिवाइडिंग कि जो नंबर है ये इट्सेल्फ ये 6 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये थे 5 और 6 के डिविजिबिलिटी रूल्स।